हरियाणा में अब 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध का 1 अप्रैल से सख्ती से लागू होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को इस फैसले के बारे में बताया। ये प्रतिबंध नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के फैसले के अनुसार हुआ है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पहले चरण में गुड़गांव में 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को सड़कों से हटाया जाए। वहीं इस श्रेणी में आने वाले ऑटो चालकों को अपने ऑटो बदलने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। उन्होंने गुड़गांव में ऑटो ड्राइवर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत भी की और कहा कि 10 मार्च को एक शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ऑटो ड्राइवर अपने पुराने ऑटो देकर नए ई ऑटो के लिए आवेदन कर सकेंगे। बता दें कि इन वाहनों पर प्रतिबंध के लिए हरियाणा सरकार पहले भी जागरूकता अभियान चलाती रही है, जबकि राज्य के 14 जिलों में रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, जींद, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, दादरी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नू जींद और करनाल में ये वाहन पहले ही बैन हो चुके हैं। इस संबंध में पहले भी कई बार NGT और सुप्रीम कोर्ट आदेश दे चुकी है। भरोसेमंद मलखान दवाखाना, हर बीमारी के इलाज के लिए संपर्क करें मलखान दवाखाना हकीम अनीस। जैसे कैंसर, एड्स, शुगर, नामर्दी, लाल पानी, सफ़ेद पानी, धात, दमा, पथरी, एलर्जी, जोड़ों का दर्द, गठिया बाएं सेहत बनाने के लिए दाद, गैस, तेजाब, औलाद का न होना भी इलाज किया जाता।